साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मंडल के उच्च अधिकारियों के साथ गेहूँ खरीद के संबंध में की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिपराई क्षेत्र के हॉटस्पॉट का जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। AESJ टास्क फोर्स की बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई संपन्न, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद वासियों के लिए विमान सेवा आगामी 25 मई से, यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का कराया जाएगा पालन। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नंदा नगर के PV अस्पताल में बने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। COVID-19 नोडल अधिकारी ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर कोरोना वायरस के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों से जाना हाल। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार की देर शाम बेतिहाता क्षेत्र में बने हॉटस्पॉट का किया निरीक्षण। बड़े प्रतिष्ठानों, कॉम्प्लेक्स आदि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जिला प्रशासन निःशुल्क देगा पैडल हैंड वॉश मशीन। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आ रहे श्रमिकों के दृष्टिगत शुक्रवार की देर शाम रेलवे स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। जिला प्रशासन, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस के कर्मचारी सकुशल उनको उनके गंतव्य तक भेजने का कर रहे हैं कार्य। कद छोटा लेकिन हौसले बुलंद, जरूरतमंद, असहाय व गरीबों में रेल कर्मी फिरोज हक ईद पर सेवई का कर रहे हैं वितरण। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्ष परीक्षक कर रहे हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने श्रमिक मजदूरों के लिए किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और COVID-19 के कारण सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में अनुज्ञापियों ने आबकारी आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में गेहूं खरीद के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिले के उच्च अधिकारियों से मंडलायुक्त ने समय से गेहूं खरीद व उसके भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य जिलों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रों पर सर 3,96,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष सर 22/5/2020 तक 1,26,278 मीट्रिक, बाद में थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है सर, कुल 43,589 किस्तों का पंजीकरण हुआ है सर, जिसमें से 1,09,223 जा रही है। प्रदेश के औसत खरीद सर 35.93% है, मंडल के औसत खरीद सर 21.8, प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है सर, ये प्रतिदिन का सर उपलब्धि करनी है। एक क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया सर खाद्य महोदय द्वारा सर मंडल का, क्या आप 100% लक्ष्य अचीव कर पाएंगे? नहीं सर, 100% तो अब नहीं संभव है सर, लेकिन अब प्रयास यही है सर कि अधिक से अधिक जितना कर सके। ये जो प्रतिदिन का लक्ष्य है इससे क्या होगा, इससे कितना परसेंट अचीव हो जाएगा? प्रदेश के औसत खरीद सर 35.93% है, मंडल के औसत खरीद सर 21.8। तेजी से जनपद में पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पिपराई क्षेत्र में महाराजी व उसका हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया गया। वहीं पिपराई चीनी मिल का भी औचक निरीक्षण किया गया और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। इधर पांच जगह है
साथ कौन रहते हैं? कोई नहीं रहता था। तो कानपन कैसे होता था इनका? उस घर से खाना बनाता था। अच्छा, कौन मिलने के लिए आते रहते थे इनका, इनसे औरत आती थी खाना बनाने? क्या उम्र है जो इन? ये वाला नॉर्मल जांच तो करवाया मैंने, तो सब ठीक है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। एक पैकेट और लाता है, एक पैकेट और लाऊं? एक पैकेट सर पीसी चलना है। थोक थोक में बैठेंगे तो फिर तो सब थोक में बीमा जाएगा, कोई इलाज नहीं इसका। पेपर पढ़ रहे हैं ना, पलट के पढ़िए क्या लिखा है। पढ़े लिखे आप ही लोग नहीं करते हो तो कैसे यार छोटे लोग। मेडिकल टीम आएगा, सबसे जांच करवा दो इसका जो लक्षण है। सात साल को कोई है इसमें? कोई है बुजुर्ग है इसमें? इधर से जितने रास्ते जा रहे बंद किए इन्होंने, पीछे भी बंद किए बता रहे ये लोग। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, 10 हॉटस्पॉट हो गए हमारे। अभी पिपराइज में जा ही रहा हूँ, वार्ड नंबर 5 वहाँ मिला है अभी, तो वहाँ पे हमें करना है। तो रसूलपुर से स्टार्ट हुआ था हमारा शहर में, तो रसूलपुर गोरखनाथ हो गया, झन्ना टोला शाहपुर, रजही कैंट थाना, बेतीहाता में सवेरा हॉस्पिटल, और ये पिपराइज में हो गया। 2 चिलवाताल के थे, नवापार और परमेश्वरपुर, 2 पिपराइज के थे हमारे, उसका और महाराज जी। तो लगभग 10 हमारे टोटल 10 कंटेनमेंट हो चुके हैं। कल रात को बरगदगा जो बरगदगा था वहाँ पे भी हुआ है। तो शहर में हमारे 5 हैं, 5 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं। AES-JEE टास्क फोर्स की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने COVID-19 के साथ ही AES-JEE की रोकथाम के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर कहा कि बरसात से पहले AES-JEE के मरीजों की देखभाल की प्रक्रिया की तैयारियों को कर लिया जाए। BRD में दूर दराज से इसके मरीज बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए हमें पहले ही अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जिससे समय रहते हम इस गंभीर बीमारी से निपट सकें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आप जैसे भी कराएं ऑटो प्रोवाइड से करके वो करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नंबर 3 बायोमेडिकल वेस्ट, पूरा उस फैसिलिटी का जो भी है, खाना है, प्लेट है, जो भी है, वो पर्सनली मॉनिटर कर लें। वैसे तो जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। नंबर 4 उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट जो मेडिकल इन्फेक्शन का है, उसको आप तीनों लोग देखते हैं। एंड खाना आपका हो गया, लॉन्ड्री हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, और आपके पर्सनल का जो एक्टिव क्वारंटाइन है वो देख लीजिए, उसके आने जाने की व्यवस्था देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर वेट कर रहे हैं फिर कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करते हुए मंडे 10 बजे के बाद से फिर हम किसी जिले को किसी जिले में मूव नहीं करें। जब तक मंडे के 10 तक बजे तक ये कर लेंगे, तब तक एक ही साथ आप मॉनिटर करके CMO गोरखपुर की रेलवे फैसिलिटी आप यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप कोई अभी इस पर बता दें, कोई ऐसा जनपद है जो मंडे 10 बजे तक नहीं कर पाएगा अपना एल्बम संपर्क शुरू? भोजन, लॉन्ड्री, बायोमेडिकल वेस्ट, क्वारंटाइन स्पेशली एक्टिव, ये चारों पर बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। रात दिन देख लीजिए, यदि किसी जनपद को लग रहा है कि मंडे को 10 बजे तक नहीं कर पाएगा, एडी हेल्थ की कंडीशन से आप 10-12 घंटे और देख लीजिए, लेकिन इसको तुरंत करना जरूरी है क्योंकि गोरखपुर में ऑलरेडी इनके पास AES आप खत्म कर दीजिए 3 मिनट, उसके बाद हम डी वापसी का लगाएंगे लगाइए क्या लगाइए ना कभी चीज़ को। अब आप छोड़ दीजिए, टाइम नहीं छोड़ दिया था हमने, मैं आप छोड़ दीजिए, आप बताइए। हाँ
आपको ये नहीं पता है कि क्या प्रोटोकॉल है, कितना काम करना। आप लोग जैसे अपनी मीटिंग करते हैं वैसे हमारी मीटिंग कराएंगे, तो कैसे हो जाएगा। नंबर वन, आई अंडरस्टैंड कि हेल्थ डिपार्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट असिस्टेड बाय डीआरडी और आपका नाइडी, वो सारे का केंद्र बुंद जैसा भी निर्देश जब भी आएगा, आशा एनम आशा एनम आशा एनम, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको सबल करिए, उनकी बातें सुनिए, उनको इग्नोर मत करिए, उनका प्राप्त उनको समय मत दे दीजिए। आप उनको इग्नोर करेंगे की टाइम में वो आपके साथ नहीं होंगे। 3,500 रुपये में आप किसी की वो नहीं कर सकते। और बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं ये, मैंने मतलब मैं निगरानी समिति में जा रहा हूँ, लेकिन 10% अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। इनको आप थोड़ा सा दिन की बात सुनते हैं ना, वो 1,000 रुपये के लिए धूप में फ्लायर लगाने को तैयार है। इसके थोड़ा सा उनको मोटिवेट करिए, उनके लिए बजट की व्यवस्था करिए, पहले से प्लान करिए। 31 मार्च को आपको पता है बजट खत्म हो रहा है, 22 अप्रैल को आप पत्र लिख रहे हैं, ये बताता है कि आप इन सेंसिटिव हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सो ASJS का पहला चीज़ ये कहूँगा, पार्टनर एजेंसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पेशली हमारे CMO CMS को आपकी मदद बहुत चाहिए होगी, क्योंकि उनका पूरी मशीन। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लगभग 2 माह बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में जनपद वासियों के लिए विमान सेवा आगामी 25 मई से शुरू किए जाने के संबंध में ADM सिटी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ ADM सिटी कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक के दौरान अन्य प्रदेशों से 4 फ्लाइटों के आगमन और 4 ही फ्लाइट को यहाँ से जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ADM सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया, गोरखपुर एयरपोर्ट पर 25 तारीख से 4 फ्लाइट पर डे आने और जाने का शेड्यूल प्राप्त हुआ है। उसके लिए टैक्सी वगैरह निर्धारित की गई है, उनका किराया भी निर्धारित कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से वो ज़्यादा किराया ना ले पाएँ, किसी प्रकार से शोषण ना होने पाए, इसलिए टैक्सियों की व्यवस्था की जा रही है। वो सैनिटाइज टैक्सी मिलेगी और उसमें एक ड्राइवर प्लस 2 वयस्क प्लस बच्चे बैठ के अपने घरों को सुरक्षित जा सकेंगे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा नंदानगर के TB अस्पताल में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में सदर तहसील की कम्युनिटी किचन का नोडल अधिकारी DS उपाध्याय ने निरीक्षण किया। वहीं तहसील कर्मियों द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, न्यायिक तहसीलदार सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार नीलम तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, उन्होंने कम्युनिटी किचन का देखा कैसे कम्युनिटी किचन संचालित हो रहा है और राहत यूपी में हम कैसे डेटा इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे फीड कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ली। कई सारे बिंदुओं पे प्रवासी श्रमिकों के बिंदुओं पे जानकारी ली और जो ट्रेन आ रही हैं वो कैसे हम उनका डेटा फीड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं उसके संबंध में जानकारी ली और जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, हॉटस्पॉट बनाए हैं, उसके संबंध में भी जानकारी ली।
शुक्रवार की देर शाम को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा बेतिहाता क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव के दृष्टिगत बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ व क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ये जो हमने ईसीजी लिया है, ईसीजी के पहले कोई तो बीपी चेक किया होगा, टेम्परेचर चेक किया होगा। ये हॉट स्पॉट एरिया है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आम लोगों को हैंड वॉश कराते हुए अपने कार्यों को किया जाए। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा दर्जनों पैंडल हैंड वॉश मशीनों को बनाया गया और शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, कॉम्प्लेक्स सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस पैडल हैंड वॉश मशीन को निःशुल्क दिया जाएगा। इस मशीन के रखरखाव की व्यवस्था दिए गए संस्थान द्वारा की जाएगी और लोगों को हैंड वॉश करने के बाद ही अपने प्रतिष्ठानों, कॉम्प्लेक्स आदि में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। ये सही है, आपने क्वेश्चन क्या बंदे बनाया जो मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीएम विद आर के सिंह ने बताया, 19 से बचाव के लिए जरूरी है कि आप मास्क पहनें, कम से कम आवागमन करें और अपने हाथ को बार बार धुलें। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि हम लोग CSR के माध्यम से उन मार्केट प्लेसेस पे जहां दुकानें सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुल रही हैं, एसोसिएशन को हम मुफ्त में वो मशीन अवेलेबल करा दें, इक्विपमेंट अवेलेबल करा दें और एसोसिएशन उसको मैनेज करे। तो अभी 10 लोगों से बात हो गई है, इन 10 लोगों को अभी ये उपलब्ध करा दिया जा रहा है। मेरा पब्लिक से यही अनुरोध है कि जहां पर भी उनको हाथ धुलने की सुविधा मिल जाए वहां वो हाथ अवश्य धुलें। जितनी बार हाथ धुलेंगे उतना ज़्यादा ही कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। तो ये मशीन कैसे काम करती है, इसमें क्या मैन पावर लगेगा क्या? नहीं, इसमें मैन पावर नहीं लगेगा, सिंपल है। इसमें बिना हाथ लगाए हुए पानी भी निकल जाएगा और बिना हाथ लगाए हुए साबुन भी निकल जाएगा, परंतु पानी भरने और साबुन को रिफिल करने का जो इंतजाम है वो उस मार्केट एसोसिएशन को करना होगा, मशीन उसी को मेंटेन करना होगा। हम लोग यह मशीन उनको निःशुल्क उपलब्ध करा दे रहे हैं। अन्य प्रदेशों से ट्रेनों के माध्यम से लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर ठहरा कर उन्हें उनके गंतव्य तक रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार की देर शाम जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यहाँ बैठने की सब यहाँ पे सर बस।
बनारस के हैं, बस अभी बनी नहीं है, उधर भिजवा देते हैं, उधर तो बसे जा रही है। अगर वहाँ पता करवा लीजिए फोन से, अगर हो तो भेज दीजिए सवारी चली जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच अन्य प्रदेशों से लगातार श्रमिकों का गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर आगमन बदस्तूर जारी है। वहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और पुलिस विभाग की टीम लगातार श्रमिकों को सकुशल उनके गंतव्य तक भेजने का कार्य कर रहा है। ऐसे में आ रहे श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें खाद्य पैकेट दिया जा रहा है, जिससे वह आगे का सफर आसानी से तय कर सकें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सीटीआर के श्रीवास्तव ने बताया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 19 ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं और ये ट्रेनें जब आती हैं तो हर डब्बे में 50-55 के हिसाब से, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से यात्री बैठकर आते हैं। फिर स्टेशन पर भी उनको गोलों में 1.5 मीटर के डिफरेंस में खड़ा करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन और थर्मो स्कैनर से उनका टेम्परेचर दोनों से स्कैन करने के बाद फिर टेबल वाइज उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, नाम, पिता का नाम, पता, घर का पता और उनका मोबाइल नंबर, ये सब सूचना दर्ज करने के बाद उन्हें बसों में 25 और 26 के एवरेज से एक बस में सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बैठाकर उनके गंतव्य डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जा रहा है। कद भले ही छोटा हो लेकिन हौसले बुलंद हैं और इन्हीं बुलंद हौसलों की बदौलत वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही लगातार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद कर रहे रेल कर्मी फिरोजल हक अब रमजान माह के अंतिम समय पर भी जरूरतमंद, असहाय लोगों में सेवइयों की मिठास बांटने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को भोजन, सूखा राशन आदि वितरण करने के बाद अब वह अपने परिवार व मित्रों के साथ मिलकर जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचकर ईद के मौके पर सेवई की मिठास घोलते हुए आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं।
के दीजिए, ये रखेंगे आप उठा के दीजिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रेलकर्मी फिरोज अल हक व उनके सहयोगियों ने बताया, मैं आज तक कंटिन्यू मेरा ये जो है सहयोग हो रहा है। पहले तो भोजन वगैरह भी बनवा करके मैंने बांटा, उसके बाद सूखे गल्ले हमने बंटवाए जिसमें चावल आटा दाल और सोयाबीन तेल आलू प्याज नींबू, और फिर उसके बाद रमज़ान जब शुरू होने लगा तो मुस्लिम भाइयों को भी देखते हुए खजूर और चने की दाल और बेसन वगैरह भी, और नमाज़ पढ़ने के लिए चटाइयाँ वगैरह भी हमने वितरण किया। और अब ये आखिरी रमज़ान का आखिरी दौर चल रहा है तो मैंने सोचा कि बहुत से बेचारे ऐसे भी हैं जिनके पास सेवइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जब वो दो वक्त की रोटियां खाने के लिए और पेट भरने के लिए जब पैसे नहीं है तो सेवइयां के लिए कहां से आएंगे पैसे। तो इस विचार मेरे जब मन में आया तो मैंने कहा कि अब क्यों ना सेवइयों को भी बांट दिया जाए। तो ऐसे मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं और बेरोजगार हैं उनके लिए मैंने सेवइयों का भी प्रोग्राम बनाया और वितरण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हम लोग पूरे लॉकडाउन में जो है गरीबों की मदद करते चले आ रहे हैं, जिन लोगों को भी जो ज़रूरत थी खाने पीने का सामान उनको ज़रूरत के हिसाब से दिया जा रहा था। अभी फ़िलहाल रमज़ान का दौर चल रहा है तो रमज़ान के आखिरी दौर में देखा गया कि कुछ गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और सेवइयाँ बनाने के लिए नहीं हैं, तो उनको हम लोगों ने सोचा कि कुछ सेवई और घी और चीनी वगैरह जो मतलब यूज़ होता है सेवई में वो उसका एक पैकेट बना करके उनको गरीबों तक पहुँचाया जाए ताकि वो ईद की खुशियाँ मना सकें। ईद में बड़ा महत्व रखता है सेवई। जी हाँ, क्योंकि ईद का मतलब डिलीशियस एक तरह से कहा जाए कि सेवई से ही होता है और सेवई से ही मतलब मुंह मीठा किया जाता है। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि गरीब घरों में जो है सेवइयाँ बने, और इसमें जो है फिरोजुल हक साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा क्योंकि उन्होंने तो खैर पूरे लॉकडाउन में ही गरीबों की मदद की है, लेकिन आखिरी रमज़ान के आखिरी दौर में सेवइयों का भी जो है वो ख्याल किया गया कि सेवइयाँ भी गरीबों तक पहुँचे। लॉकडाउन के चौथे चरण में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी के जांचे जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन केंद्र निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र निरीक्षक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी व यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के इलाज के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के बीच अन्य प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे इलाज के दौरान इस रक्त का प्रयोग कर श्रमिकों की जान बचाई जा सके। इस तारीख है
देर है ना, पता नहीं है इसलिए जब सब लोग फेल होकर मैं बोली आप लोग को बुला कर दे, हम वो नहीं होने देंगे। अरे नहीं, हेलो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया। लोग जिला कांग्रेस कमेटी पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, प्रदेश से कोने कोने आने वाले प्रवासी गरीब मजदूर के लिए जो रास्ते में चल रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उनको एनेमिक है या जो भी है, तो उनके लिए हम लोग सेवा भाव कर ही रहे हैं और हमारा ब्लड जो है उनके काम आ जाए इसलिए हम इसको डोनेट कर रहे हैं, कहीं उनको ब्लड की कमी ना पड़ जाए और आगे भी इस तरह का सेवा भाव चलता रहेगा। आने हमारी प्रियंका गांधी आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का ये ऐलान है कि गरीब प्रवासी मजदूरों की सेवा हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ब्लड डोनेट दे करके करेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस के कारण सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में गोरखपुर के समस्त देशी विदेशी बियर व मॉडल शॉप की दुकानों के समस्त अनुज्ञापियों के द्वारा आबकारी आयुक्त को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद कर्मचारी को दिया और विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से मांग की है कि बिक्री प्रभावित होने के कारण संचालन की दिशा में नई शर्तें ठीक विपरीत है, जिससे अनुज्ञापियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां सामान्य दिनों में बिक्री 100% होती थी, वहीं लॉकडाउन की अवधि में बिक्री केवल 30-35% पर ही सिमट कर रह गई है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अनुज्ञापी अमित कुमार ने बताया है कि जैसे कोविड वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से जो अंग्रेजी शराब बियर और देसी जो दुकानें हैं इनकी जो सेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो पहले जहाँ पर अब 35% 30% सेल रह गई है और कोटा पूरा उठाना है, कोटा पूरा नहीं उठा पाएंगे तो जो हमारी सिक्योरिटी मनी है वो भी हमारी जब्त हो जाएंगी। उठाएंगे तो उसको माल को कहाँ फेंकेंगे, या तो जलाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी मजबूरी को देखा जाए, हम इस टाइम बहुत परेशान हैं, जितना हम सेल करेंगे उसको उपभोग का ही कोटा मान लिया जाए और हमारी 45 दिन की जो है जो हमारी लाइसेंस फीस है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि पहले सुबह 10 से रात 10 तक का टाइम होता था, अब टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, साईं प्रणाम।